हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में मैंने कहा चलो यार, आज बहुत टाइम हो चुका है, मैंने कड़ी शड़ी नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलो यार आज कड़ी बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख लिया था। फिर उसमें थोड़ा सा मैंने मेथी दाना डाल दिया। अब मेथी दाना डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी थी। प्याज ऐड करने के बाद सिंपल सा जो ये मैंने पूरा बेसन का घोल घोला था, तो फिर ये मैंने इसके अंदर डाल दी। इसमें मैंने लस्सी बनाई थी, लस्सी डाल दी। और फिर इसमें मैंने डालकर अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। जितना आप कढ़ी को घुमाते हो, इतनी आपकी कढ़ी मज़ेदार और यमी बनती है। अब ये जो ब्राउन प्याज होने तक, तो मैं इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करूंगी प्याज को। और वहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था बड़े पतीले में, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची, थोड़ा सा नमक डालकर, और जो मैंने लस्सी बनाई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से घोट लूँगी। जितना आप घोटते हो, जितनी आपकी मतलब गोलियाँ बनती हैं वो नहीं बनती, फिर आपकी जो गुठाने हो जाती हैं बेसन में, तो फिर वो बुरी लगती ये मुंह में आती है, तो फिर आपके कच्चापन होता है, फिर आपकी कड़ी मज़ेदार और यमी नहीं बनती। अब बस सिंपल सा मैं देगची में डाल दूंगी और अब मैं इसको घुमाने लगी हूँ। अब मैं इसको घुमाती रहूँगी जब तक उबाल नहीं आएगा। फिर उबाल आता है तो फिर आप कम गैस कर लेते हो, झाग जब ऊपर आ जाती है, तो फिर मैं इसको कम गैस कर फिर छोड़ दूँगी। अब मैं उसको छोड़ दूँगी, 1 से 1.5 घंटे में कढ़ी बनकर रेडी होगी। जल्दी कढ़ी नहीं बन के रेडी होती। फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अभी मुझे कट करनी थी, तो फिर यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और बेसन में जल्दी जल्दी करके पहले मिर्ची कट कर लूँगी। मिर्ची कट करने के बाद, क्योंकि मिर्ची इसमें 8 से 10 12 मिर्ची डालूंगी, क्योंकि आप पकोड़ों में जितनी मिर्ची डालते हो उतने आपके पकोड़े मज़ेदार और यमी बनते हैं। अगर आप मिर्ची नहीं डालते तो फिर आपके पकोड़े मज़ेदार नहीं होते और यमी भी नहीं होते। तो मेरा तो यही पूरा ध्यान होता है कि मैं मिर्ची भर भर के डालूं, क्योंकि हमारे घर में सब स्पाइसी खाना खाते हैं, मतलब ज़्यादा मिर्ची वाला खाते हैं, फीका खाना किसी को भी पसंद नहीं होता, तो इस वजह से। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं इसमें हरी मिर्ची कट कर रही हूँ। हरी मिर्ची कट करने के बाद सिंपल से 4 से 5 इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद हरा धनिया पड़ा हुआ है, फिर मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। और प्याज में थोड़े मोटे मोटे काटूँगी, क्योंकि आप अगर पकौड़े बनाते हो मोटे मोटे प्याज काटते हो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा पतले भी नहीं अच्छे लगते। तो फिर यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करके प्याज कट करने लगी थी, प्याज में मोटे मोटे जल्दी जल्दी काट रही थी। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से काम हो जाए। फिर यहाँ पर मैं बेसन का घोल बनाकर पकौड़ा का पूरा मसाला रेडी करके मैं रख दूंगी। फिर वहाँ पे मेरी कढ़ी भी बनकर रेडी हो जाएगी 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि आप कढ़ी को जितना पकाते हो उतनी आपकी कढ़ी मज़ेदार और यमी होती है। अगर आप कढ़ी को 10 से 15 या 20 मिनट में आधे घंटे में उतार देते हो, तो फिर कच्चा बेसन होता है, कच्चे बेसन की हीक आती है और अच्छा नहीं बनती कढ़ी। फिर आपको ऐसे लगता है आप कच्चा बेसन खा रहे हो, फिर आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर फिर मेरा पूरा ध्यान होता है कि मैं अच्छी तरीके से बेसन को अच्छी तरीके से पका लूँ, अच्छी तरीके से जितना बेसन बनता है उतनी कढ़ी मज़ेदार और यमी होती है। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने 2 प्याज कट कर ली थी, तीसरी भी प्याज में कट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, तो फिर जल्दी जल्दी करके पकौड़ों का मसाला भी रेडी हो जाएगा। फिर यार एक तो प्याज कट करना भी बहुत मुश्किल की बात होती है, प्याज तो कट करते हो फिर आपको ऐसे लगता है कि आपको किसी ने मारा हो, इतनी आपकी आंखों में से पानी आता है, आपको फ्लू भी हो जाता है। तो मेरे साथ तो भाई अक्सर यही होता है, जब जब मैं प्याज काटती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हो जाता है और इतने ज़्यादा कोई आंखों में से पानी आता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर फाइनली एक प्याज बच चुका था, तो बस क्या करें, घर का कामकाज तो करना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पर प्याज तो कोई कट कर करके देगा भी नहीं, तो प्याज कट करना तो किसी को भी पसंद नहीं होती। तो बस यहाँ पर फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, मैंने स्पीड शीट पर कुछ भी नहीं लगाई थी, मैंने कहा था चलो यार स्लो स्लो प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि छुरी मैंने तेज़ करवाई थी और छुरी अगर तेज़ होती है तो फिर आपको आराम आराम से काटना चाहिए। आप जल्दी जल्दी काटते हो तो फिर आपका ही नुकसान है, आपका भी हाथ वाथ कट सकता है। अगर आपका हाथ वाथ कट गया तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, फिर आपको हर काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो फिर मैं वो मैं नहीं चाहती थी कि परेशानी हो, फिर यहाँ पर मेरा हाथ वाट कट जाए। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी फाइनली मैंने हरा धनिया भी इसमें कट कर लिया था। फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा उबाल आ रहे थे कढ़ी में, तो फिर यहाँ पे दोबारा मैं चमचा घुमा रही थी, अच्छी तरीके से कढ़ी को घुमा रही थी। जितना आप घुमाते हो उतनी आपकी कढ़ी मज़ेदार और यमी होती है, आपको जितना घुमाना चाहिए उतना आप घुमाओ, क्योंकि कच्चा बेसन तो फिर किसी को भी पसंद नहीं होता। और कढ़ी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद बना रही, क्योंकि कढ़ी मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी बहन से रेसिपी पूछी। यहाँ पर मेरा बेसन का घोल भी पकौड़ों का रेडी हो चुका था, तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी बहन को बोला मुझे कढ़ी बनाना सिखा दो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारे खाने बनाना आते हैं, लेकिन कढ़ी छड़ी मुझे नहीं बनाना आती थी, ऑफकोर्स वो भी मैं सीख गई। फिर यहाँ पे मैंने किचन में इतने सारे बर्तन ढेरों ढेर जमा हो चुके थे, फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद फिर ही मैंने कहा पकौड़े बनाऊँगी, ऐसे में पकौड़े नहीं बनाऊँगी, ऐसे गंदगी में आप पकाते हो तो फिर आपको खाना भी नहीं अच्छा लगता, अगर कोई आ जाए तो फिर वो भी ये कहता है कि मतलब कितनी गंदी और अच्छी तरीके से नहीं बना रही।
तो आप अपने जितना हो सके आप अपने किचन को साफ सुथरा डीप क्लीन रखा करो। फिर यहाँ पे फाइनली आटा भी गूंद रही थी मेरी सिस्टर, तो आधा गूंद लिया था और आधा यहाँ पे मैं पकौड़े भी बना रही थी और वहाँ पे मेरी कढ़ी भी बनकर रेडी हो रही थी। पकौड़े भी इतने मज़ेदार इतने यमी बने थे, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मीठी सोडा भी डाल दी थी और कढ़ी भी इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी यमी बनी थी, मुझे तो पता नहीं था कि इतनी अच्छी बनाऊंगी, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी थी कढ़ी। सबने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी, अगर आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है। फिर आप कहते हो कि बस चलो मेहनत मेरी रंग लाए। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके आधे मैंने पकोड़े बना लिए थे और आधे पकोड़े मेरे बन रहे थे फाइनली। और आप अगर जल्दी जल्दी काम करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लिटरली खुशी हो जाती है। फिर वहाँ पे मुझे रोटी भी बनानी थी, क्योंकि आपकी अगर सिस्टर आ जाती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और अकेले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर थोड़ी इजी रेसिपी बनाते हो तो फिर आपको जल्दी जल्दी आप बना सकते हो। अगर कोई आप मुश्किल चीज़ बना रहे हो जिसमें इतनी देर लग जाए तो फिर वो तो आप स्लो स्लो ही बनाओगे, आप जल्दी जल्दी तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक पकोड़े निकाल दूंगी मैं एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर मैं पकौड़ों का डाल दूंगी इसके अंदर, फिर वो भी जल्दी जल्दी करके बनेंगे। फिर वो सारे बनने के बाद मैं इसको कढ़ी में ऐड कर दूंगी। कढ़ी में ऐड करने के बाद बस फिर मैं इसको लगा दूंगी बघार। बघार लगाने के बाद तो फिर बस तवा रख दूंगी, फिर मैं रोटी शोटी बना लूंगी। ये तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा था एक गैस पे तुम रोटी बना लो, एक पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। आपका फ़ायदा है आप जल्दी जल्दी काम कर लेते हो, फिर आप रिलैक्स फील करते हो, फिर आपको बस सुकून होता है कि आपका काम काज हो गया, फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पे मैंने सिस्टर को कहा था कि जल्दी जल्दी करके आप रोटी बना लो, ऐसा ना हो कि फिर गैस कम हो जाए, अगर गैस कम हो जाएगा तो फिर हम खाना छाना कुछ भी नहीं बना सकेंगे। फिर यहाँ पे फाइनली सारे पकौड़े बनकर रेडी थे, आटा भी गूंद चुका था, तो फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर रोटी भी बना रही थी और यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बघार लगा रही थी, क्योंकि मैंने हरी लहसुन भी मंगा ली थी, जीरा था। अब मैं इसको छिड़के से भून लूँगी, इसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची भी डालूंगी, बघार को पकने दूंगी 10 से 15 मिनट पकने दूंगी, क्योंकि गैस आप थोड़ा कम कर दो, बघार अच्छी तरीके से बनाओ। जल्दी जल्दी करने में तो फिर बघार आपका जल जाता है, फिर आपकी कढ़ी मज़ेदार नहीं बनती। तो बस फिर जल्दी जल्दी करके मेरे उसको बघार देना था। बघार देने के बाद तो फिर मेरी कढ़ी इतनी मज़ेदार इतनी यमी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा लिटरली पसंद भी आई थी। बस थोड़ा बघार लगाने में थोड़ा टाइम हो रहा था, क्योंकि ये ब्राउन होकर नहीं दे रहे थे। अगर ब्राउन हो जाते हैं, आपका ज़ीरा भी ब्राउन हो जाता है, तो फिर आप कढ़ी में डालते हो तो फिर आपकी कढ़ी बहुत मज़ेदार होती है। और यहाँ पर कितनी फाइनली मेरी सिस्टर ने अच्छी अच्छी रोटियाँ गोल गोल बना ली थी। फिर यहाँ पर थोड़ी सी मैंने पिसी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी थी, क्योंकि कुटी हुई मिर्चें तो मैंने पहले डाल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो यार पिसी हुई मिर्चों से अच्छा जायका आता है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो बस यही मेरा व्लॉग था, आज की मेरी रेसिपी थी कढ़ी और रोटी। तो फिर कढ़ी चावलों के साथ भी खा सकते हो आप, जिसके साथ भी खा सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से भी खा सकते हो। तो हमें तो फिर रोटी से बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तो फाइनली रोटी से बहुत ज़्यादा खुश होकर खाती हूँ। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।